हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। सो चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। एफआईडीआई का डाटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पीएनएल ओपन है मेरा। तो देखो, लास्ट वीक का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मार्च के फर्स्ट वीक का, जिसमें मैंने 3 दिन में प्रॉफिट किया था और एक लास्ट डे नाटक हो गया था जिसमें सारा प्रॉफिट उड़ गया। और ये वीक एक एसएल हिट हुआ है ना, एक दिन बीच में मैंने ट्रेड नहीं किया था बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने प्रॉफिट किया, फिर एक हल्का छोटा सा लॉस किया, फिर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ जो कि वेडनेसडे के दिन है, फिर थर्सडे को शायद नहीं ट्रेड किया था, ये फ्राइडे। हाँ, ये 1, 2, 3, 4 दिन ट्रेड किए, 4 ट्रेडिंग सेशन में से एक एसएल हिट हुआ है, दैट टू के, और हमने 3 प्रॉफिट बुक किए जिसमें 2 बड़े प्रॉफिट है। देखो, द थिंग इज दैट ये सब बस इसलिए शेयर करना पड़ता है क्योंकि बताना पड़ता है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। तो ये जो लास्ट डे का जो पैसा बना है ना, ये बना है ऑप्शन सेलिंग से, है ना। मतलब फ्राइडे को जो मार्केट चला था ना, तो वो मैंने ऑप्शन सेल किया था। और एक रिकमेंडेशन भी दूंगा मैं जो भी देख रहे हैं कि इफ़ यू हैव कैपिटल अराउंड 1 लाख और 70-80,000 ना, तो देन ट्राई टू शिफ्ट इन ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ क्या मैंने एनालाइज की, यहाँ पे आपको चार्ट देख रहा होगा बैंक निफ्टी का, मार्केट देखो इतने बड़े जो विक बना रहा है ना, ये मार्केट कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्या हो मतलब स्कैल्पिंग इन द सेंस कि यार यहाँ पे अगर आप होल्ड करोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखो इतना ऊपर जाके वापस, मैंने देखा था यहाँ पे प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा था और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया, आपका एसेलेट कर देता। डेट टू के यहीं पे अगर आप पुट सेल कर देते तो देखो मार्केट ऊपर जाता और फिर यहाँ पे साइडवेज होता, देन आपको प्रॉफिट मिल जाता। सो बात यही है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग एक एज दे रहा है ऐसा ये जो मार्केट चल रहा है। हाँ, नो डाउट कि ऐसे लेट हो सकते हैं, लाइक ये ऐसे मार्केट में ऐसे लेट हो सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द डे इसकी विनिंग परसेंटेज देखो ना आप, बहुत अच्छी है। 50 EMA के नीचे यहाँ पे आप कॉल सेल करके बैठ जाओ दिन भर, देखो प्रीमियम कितना टेक के होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, हाँ कि यार सबका अपना अपना सेटअप रहता है, यहाँ पे मैं होता तो ऑप्शन सेल ही कर देता, बट डे हाई की कैंडल का ऐसे लगा तो मेरा ऐसे लेट हो जाता, फिर मैं यहाँ पे पुट सेल कर देता तो मार्केट ऊपर चला जाता। फिर 50 EMA के नीचे है तो मैं कॉल सेल कर देता, मार्केट बहुत बेहतरीन नीचे आया, फिर यहाँ पे कितना भी जंप मार लेता, बट इतना ऑलरेडी मैं टिक्के खा के बैठ जाता कि यहाँ पे इशू नहीं होता। सो ये इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, है ना, कि देखो हमने टोटल कितने 8 ट्रेडिंग डे थे, है ना। मंडे को मतलब लास्ट फ्राइडे महाशिवरात्रि थी तो उसका हॉलीडे था, तो यहाँ पे देख सकते एक ऐसे लेट हुआ था। हाँ, वो वीक का मैंने शेयर किया था, आपने नहीं देखा है तो जाके देखो क्या हुआ था, है ना, हमारे साथ, जो कि एक लर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ये वीक बहुत अच्छा गया है और ऐसे ही ट्राई करेंगे, दैट के मैं ट्राई करूँगा कि धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग की साइड अभी शिफ्ट होता जाए, क्योंकि मार्केट यार अभी जिस प्रकार से वर्क कर रहा है, ऑप्शन बाइंग करना, ऑप्शन बाइंग तो मुश्किल है, कभी एक ही मार्केट मिलता है यार हफ्ते 15 दिन में, जो कि इतना इजी नहीं है कैप्चर करना, ठीक है। तो मैं यही ट्राई करूँगा कि अब धीरे से धीरे मतलब ऑप्शन बाइंग भी करेंगे बट बहुत कम कर देंगे और ऑप्शन सेलिंग साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो होप सो गाइस आप समझ गए, है ना, मैं आपको क्या बताना चाहता, आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता था। तो ये थी PNL 2 वीक की, अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा निकलेगा, उसकी भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब प्रॉफिट कुछ ऐसे बड़े नहीं है, है ना, और द थिंग इज दैट कि मेरे भी कोई कोर्सेज और टेलीग्राम पेड ग्रुप कुछ नहीं है, मैं जो भी मेरे पास लॉजिक रहता है बस मैं वही शेयर करता हूँ, है ना। तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भैया मेरे 1-2-10 लाख प्रॉफिट है जो PNL आपको पूरी दे, है ना, नॉर्मल से प्रॉफिट रहते हैं। मंथली अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैक्सिमम 50,000 है मेरा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैंने 1-2 वीक में अगर 50,000 उठाए हुए हैं तो मैंने नेक्स्ट वीक में ऐसे लॉस कर लिया है हाफ ऑफ द माय प्रॉफिट, क्योंकि ये जो फर्स्ट वीक था ना यहाँ पे मैं देखो मैंने प्रॉफिट किया था बट लास्ट मंथ में उड़ जाता है, तो ये ऐसे रिलीज हो जाते हैं। छोड़ो, अभी हम चलते हैं वापस से हमारे एनालिसिस की ओर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं FIDA का डेटा, यहाँ पे ऑप्शन गाइस दिख रहा होगा आपको, FIDA का डेटा देख लेते हैं। फ्राइडे को दोनों नहीं, फ्राइडे को FII बुलिश थी, NDIS ने सेलिंग की है। चलो इसको हटा देते हैं हम अभी, अभी इस पर लगा लेते हैं ऑप्शन जिन और चलते हैं मार्केट की ओर। देखो बैंक निफ्टी जाती 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा है, ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बोला अगर 1 लाख कैपिटल है तो ट्राई टू ऑप्शन सेल, है ना, नेकेड नहीं करना है, हेज कर लो, OTM दूर का सेल कर लो, इंटरडे बेसिस पे ट्राई करो पॉइंट्स कैप्चर करने का, ठीक है। चलो अभी अपसाइड के लिए देखते हैं कैसे मार्केट कर सकते हैं। देखो मार्केट ट्राई कर रहा है बहुत दिन से काहे को यार, 14 मार्च से ट्राई कर रहा है कि बट 50 EMA के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सो
अभी समझो क्या करना है, जब तक मार्केट 50 EMA के ऊपर नहीं है बाइंग साइकिल नहीं देखने वाले हम, ठीक है। बाइंग साइकिल नहीं देखेंगे, 50 EMA के ऊपर जाएगा, 46,700 के ऊपर बाइंग साइकिल देखेंगे, दैट टू केस 47,000 हमारा पहला टारगेट और सपोर्ट रहेगा, इसके ऊपर 47,200 हमारा लेवल सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा और टारगेट रहेगा। डाउन साइड में 50 EMA के नीचे नेगेटिव है हमारे लिए, 46,333 के नीचे अगर मार्केट जाता है देन अगेन हम सेलिंग साइड के देखेंगे और हमारा टारगेट और सपोर्ट रहेगा 46,000। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, है ना। मार्केट ने लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसी रेंज में बहुत वर्क किया है, तो उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद हम ट्रेड करेंगे, बट जब साइडवेज ओपन हो, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है देन 50 EMA के ऊपर है, वेट करना है बाइंग साइड के लिए ही देखेंगे। जब 50 EMA ब्रेक कर देगा नीचे आ जाएगा देन थोड़ा सा सतर्कता से ट्रेड करना पड़ेगा। रीज़न क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले कंसोलिडेट हो चुका है, तो हो सकता है ऊपर से नीचे आए फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है। और डे टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूंगा तो कुछ नहीं है, डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनी है, ठीक है। अभी चलिए बैंक निफ्टी समझेंगे, अभी हम चलते हैं निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन नहीं देखते हैं, कुछ है नहीं उसमें खास मैंने देखा था। चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। सेम सिनेरी वही, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का 50 EMA से रिजेक्शन लिया है, ओपन हुआ था 50 EMA से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया है। अभी एक कुछ पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है मेरे को, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है 30 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। निफ्टी को एक बार डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ देखो, निफ्टी ने डे टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बना दी है, ठीक है। तो अभी जिस तरफ भी हमको मोमेंटम मिलेगा तो मिस नहीं करना है, दैट टू के बाइंग साइड मिले तो भी, अरे यार दैट टू के बाइंग साइड में मिले तो भी, देखो हो चुका है ना, इनसाइड कैंडल बना दी है, 14 मार्च को बनाई थी और 15 मार्च को बना दी है। अब अगर मार्केट ऊपर मिलता है हमको, है ना, 22,000 मतलब अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ऊपर मिलता है देन एक बड़ा मोमेंटम कहीं पे भी ऊपर या नीचे एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे आपको देख रहा होगा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, बट 50 EMA के ऊपर ही, 50 EMA के ऊपर मतलब 22,100 के ऊपर देखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके ऊपर देखोगे देन अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 22,100 के ऊपर मिलता है देन गुड, और हमारे लिए टारगेट और रेजिस्टेंस आएगा 22,202। ओके, यहाँ तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू के ओनली 50 EMA के ऊपर ही बाइंग के लिए देखना, उसके नीचे नहीं। अगर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो भी नहीं, वेट करने वाला सिनेरियो रहेगा। मार्केट नो डाउट यहाँ से प्रीवियसली अच्छा खासा बुलिश गया है, बट नहीं होल्ड कर पाते क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पे भाग देते हैं, ऐसा लेट हो जाता। सो द थिंग इज दैट कि डाउन साइड में देखना है, तो ये जो प्रीवियस डे लो है ना 22,930, इसके नीचे अगर जाता है देन हम सेलिंग साइड के लिए देख सकते, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न का भी फेलियर होगा और प्रीवियसली मार्केट यह इसी लेवल से भागा एकदम। और अगर हम टारगेट की बात करें तो नीचे अगर 21,930 ब्रेक कर दें 21,860 विल बी आर नेक्स्ट सपोर्ट एंड टारगेट फर्स्ट। सो होप सो गाइस सिंपल से लॉजिक आपको मिलेगा, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है देन वेट करो थोड़ा सा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो रेंज ब्रेकआउट पे। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए, कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।